घर में सोती मां बेटी पर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। परिवार वालों ने मेन गेट खोलकर मचाया शोर। शोर सुनकर मौके पर मोहल्ले वाले को आता देख भागे बदमाश। गंभीर रूप से घायल महिला को किया हायर सेंटर रेफर। करीब रात 1 बजे की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना अनूप शहर कस्बे के मोहल्ला खिड़की की है। यह थाना अनूप शहर में कस्बे में एक महिला अपने आवास में रहती है। 2 कमरों का मकान है, एक बरामदा है और उनकी एक शादीशुदा बेटी आई हुई थी। महिला की उम्र 50 वर्ष है। आरोप यह है कि एक या दो की संख्या में अपराधी रात में इनके घर में प्रवेश किए। वो किस रास्ते से आए थोड़ा सा इसको लेकर डाउट है, क्योंकि छत से आने का जो रास्ता है वहाँ एक बांस की सीढ़ी रखी हुई है, वो इतनी कमज़ोर है कि उस पर 20 किलोग्राम वजन रखते ही वो टूट जा रही है। तो जिससे लग रहा है कि छत के रास्ते से नहीं आए हैं, नया चूना है, वहाँ भी कोई फुटप्रिंट नहीं है। संभवतः इनके द्वारा जो मेन गेट का दरवाज़ा है वो खुला रह गया था और लूटपाट की कोई घटना नहीं है, केवल मारपीट उनके द्वारा की गई है, चोट पहुँचाई गई है। फिलहाल दोनों महिलाएं खतरे के बाहर हैं, कोई गंभीर इस तरह की चोट नहीं है। आंख के पास चोट आई है, गर्दन पे चोट आई है और इसमें मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की। बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भूटानी की रिपोर्ट।